नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जॉइनिंग यू टुडे। आई एम नुपुर कुलश्रेष्ठ एंड यू आर वॉचिंग ई विद्या चैनल नंबर 9। एंड यस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू आर टॉपिक, यू कैन कॉल अस। आर कॉल नंबर, आर फोन नंबर इज 8800440559। एंड यस, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन आई वुड लाइक टू से समथिंग, एंड आई एम सेइंग दिस यू विल कम टू नो सून। Health, yes, I'm talking about health. Health is the most crucial and essential aspect of every individual's life, and not being fit or if you are not healthy enough, you are not able to carry out even your day-to-day activity. And yes, as I said, why I'm saying all this? Because we have very important topic to discuss today, and that is why do we fall ill? Class 9th. Topic is why do we fall ill, and to give more details on this topic we have with us Sushil Kumar ji, yes, PGT biology, Kendriya Vidyalaya, Shravasti. Namaskar sir, swagat hai aapka. Good afternoon ma'am, and welcome to all of the viewers who are viewing PME Vidya channel number 9. जी सर, और जैसे कि हमने शुरुआत की हेल्थ से, और हेल्थ की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये तो कहते हैं कि हमें हेल्दी रहना है, लेकिन हेल्दी रहना है किस तरह से रहना है और किस तरह से समझें कि हेल्दी होना क्या है? व्हाट डू यू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेल्थ और हेल्दी? यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हेल्थ। जी, सो एवरीवन ऑफ अस नीड्स गुड हेल्थ। हमारे पूर्वजों से ये बात चलती आई है कि अच्छा स्वास्थ्य होना हजार नियामत की बात होती है। वी कैन से दैट हेल्थ इज वेल्थ। कहते हैं ना कि अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो आज हम अपने बच्चों के साथ इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश में स्कूल गोइंग बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अगर वो हेल्दी रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे, तो हमारे देश के लिए वो अपना योगदान दे सकेंगे और पूरी दुनिया के लिए भी वो एक योगदान होगा। आई वुड लाइक टू शो यू वन स्लाइड दैट इज गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद हेल्थ एंड डिजीज। सो इन द स्लाइड माई स्टूडेंट यू आर एबल टू सी दैट देयर इज वन पिक्चर शोविंग दैट इज द हेल्दी person. On the other side of the slide, there is a person that is suffering from a disease. So you will be able to differentiate between these two pictures, that no one want to become diseased, because a diseased person looks not smiley or cheerful. So that is why we people are discussing about the health. There is one activity that is given in your NCERT textbook, and that activity is making sensitized about the various environmental events or various environmental happening that are taking place. Like in the last week, there is a massive flood occurs in the Libya, and in the last year there was अर्थक्वेक इन द तुर्की, तुर्की में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था। इसके अलावा भारत में, चाहे लाटू, भोज या कश्मीर या अलग अलग हिस्सों में, उत्तराखंड में, या फिर आपको याद होगा बच्चों, आपने अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी और लैंडस्लाइड हुआ और कितना सारी परेशानियाँ हुई और देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ आई। सो ये जो जहाँ जहाँ ये घटनाएं होती हैं, इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ एकदम फैल जाती हैं। इसका कारण होता है कि जब ये सारी परेशानियाँ होती हैं तो वहाँ पर हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड परेशानियाँ हो जाती हैं, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था चढ़ा जाती है और कुल मिला के साफ पानी नहीं मिल पाता है, लोगों को रहने के लिए प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल पाता, और इसके कारण बहुत सारी परेशानियां हम और आप लोगों में देखते हैं। हम कह सकते हैं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस
is the condition in which the pupil feels physically, mentally and socially well-being. And आमतौर पे हम और आप लोग सोचते हैं कि कोई डिजीज ना हुई तो हम हेल्दी हैं, बट नो, ए पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटली, सोशली एज वेल एज रिप्रोडक्टिवली आल्सो ही और सी विल बी हेल्दी. वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू WHO देयर इज ए ट्रायड ऑफ द हेल्थ. सो ट्रायड ऑफ द हेल्थ, वन आर्म कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल वेल बीइंग, अनदर इज द सोशल वेल बीइंग एंड अनदर वन इज द मेंटल वेल बीइंग. So when a person is having the well-being in all the three triad, then he is said to be the healthy person. And we can say for the become healthy, there should be the good physical and social environment. There should be the good economical condition. There should be the social equality and harmony. So these all things are related with each other. So usually my student, you have seen that the country which are developing or the country which are poor means they did not have the well economic condition. So in those country, usually some of the disease is seem to be emerging and pupils are affecting. So good economic condition is also related with, because when a country having the good economic conditions, so pupils are able to purchase the nutritious food as well as they will able to live a healthy life. So we can say that physical, social as well as economical condition are equally essential for the good health. There are the characteristic of the good health. I am healthy person, ma'am. You are also a healthy person. So usually the person has capability to do work, because healthy person is able to do work. The person feel himself efficient to take decision and work accordingly. The person remains in sound mental condition. And well, the person remains free from any disease. And person does not suffer from any mental tension, because nowadays there are we people are living in the post-COVID era. So during the COVID problem, there were the so many mental breakdown takes place, or we can say the there are the various socio-mental problems we have emerged in the society, and our students badly affected. The health of our student is badly affected due to the so many mental problems. Because during the COVID time, schools were closed and pupils were confined to their home. So we can say that everyone should maintain the cleanliness, not only in their home, but also in the surrounding. Like we should protect ourselves from the fecal matter. Means the matter that is comes from the sewage or other place. So our there are the 5 F. These 5 F are the flood means jo hum taral padarth lete hain. Fingers should be the clean, means we should wash hand before preparing and taking the food, and wash hand after defecation. बच्चों, देयर इज वन स्टोरी दैट इज रिलेटेड विद द टाइफाइड मैरी. सो टाइफाइड मैरी इज ए क्लासिकल केस ऑफ द पर्सनल हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम. सो व्हेन ए पर्सन डिड नॉट क्लीन देयर हैंड, सो ही और सी मे एबल टू ट्रांसफर सो मैनी डिजीज. लाइक देयर वॉज ए lady that is known as Mary Mellon in the medical history, and she has the poor hand hygiene. So she usually cooks the food in the neighborhood area. So jab wo khana pakane jati thi, kyunki wo haath acche se saaf karti thi, she was the asymptomatic carrier of the typhoid fever. So typhoid is a disease that is caused by a bacteria that is known as a bacteria that usually found in the food or other infected water and some other. So Salmonella typhi is a bacteria that is found in the contaminated food. So she was the carrier of the dead bacteria, and
नोविंगली अनोविंगली अब जब वो खाना बनाने जाती नहीं दूसरे के घर, तो वो इस बीमारी को फैलाती नहीं। और आज क्लासिकल केस के रूप में हम लोग मेडिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं टाइफाइड मैरी का केस। सो हमें आपको अपनी सफाई भी रखनी है, फ्लाई से बचना है, मक्खियों से बचना है। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ द मेजर एजेंट दैट इज यूजुअली स्प्रेड द सो मेनी ऑफ द डिजीज। सो वी शुड कवर द फूड एज वेल एज कंट्रोल फ्लाई अराउंड अस। फील्ड में यूजुअली जब खेलने जाना है तो क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट को हमको यूज करना है। और अवॉइड ओपन डिफेकेशन, मतलब जो इस पे तो भारत सरकार ने बहुत काम किया है और शौचालय देश के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए हैं, तो ओपन डिफेकेशन से बचना है। अगर कोई इन्फेक्टेड होगा तो ओपन डिफेकेशन के दौरान, फीकल मैटर के दौरान वेजिटेबल और फ्रूट चूंकि खेतों में उगाए जाते हैं तो हम लोगों तक पहुंचेंगे कंटेमिनेटेड फूड, अगर उनको बिना अच्छे से प्रॉपर धोए हुए अगर ले लिया तो निश्चित ही बीमार हो जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर इज आल्सो एसेंशियल। सो देयर आर द 5 F, दिस शुड बी डन। जैसे सर अभी आपने 5 S के बारे में बताया, हमने 5 जो F है उनके बारे में बात की, तो यहाँ पर आपने ये भी बात की कि किस तरीके से जो बीमारी है वो फैलती है, संक्रमण किस तरीके से होता है। तो यहाँ जो संक्रमण होता है और हम बात कर रहे हैं कि वाई डू वी फॉल इल, तो जो संक्रमण है क्या वो हमारी इम्यून जो सिस्टम है वो हमारा वीक है, इस वजह से हमें बीमारियां होती हैं, या आप क्या वजह देखते हैं? जैसे अभी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम रहा तो आई फ्लू बहुत तेज़ी से फैला, तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि हमारा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है ये, और हम इस खुद को किस तरीके से बचा सकते हैं किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए? मैम बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मेरी और आपकी जो लड़ाई है या हमारे देश के करोड़ों बच्चों की लड़ाई दिए और तूफान की तरह लड़ाई होती है। मतलब हम चारों तरफ, हमारे चारों तरफ पैथोजन पाए जाती हैं। पैथोजन वो होती है जो डिजीज कॉज करती है, ये वायरस हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये फंजाई हो सकते हैं या और अदर प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। ये पैथोजन हमारे आदमी पर अटैक करती है जब हम बाहर निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, कम्युनिटी प्लेस पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं। लेकिन अगर मेरी इम्यूनिटी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ये बेहतर होगी तो हम इन बीमारियों से बचे रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ताजे फल खाने चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को बड़ा अच्छा करना चाहिए। और इम्यूनिटी में कुछ हद तक मदर से भी, जो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो फर्स्ट मिल्क जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, तो बच्चे मदर से फीड करते हैं तो उसमें एंटीबॉडी पाए जाते जो हमें ताउम्र बीमारियों से बचाती। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है और हमारी इम्यूनिटी हमें और आपको बचाती है। जिसकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हुई या किसी कारण से, बीमारी के कारण से या मेल न्यूट्रिशन के कारण से, तो वो सीधे सीधे बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। और इसी के लिए अवेयर करने के लिए पूरी दुनिया में 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। बच्चों यह वो दिन होता है जिस दिन हम स्कूलों में, कॉलेजों में, आम जन के बीच में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करते हैं कि अच्छे भोजन का क्या रोल है, अच्छे से हम अगर लाइफस्टाइल अच्छी रहेंगे तो क्या रोल है, हम अपने आप को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हम अगर बीमारियों से बचाने में सफल रहे तो देश का बहुत बड़ा हम बोझ खत्म कर सकते हैं हॉस्पिटल के ऊपर। और हम इसके लिए, हमारे देश में आपने सुना होगा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। योग भारत की दुनिया के लिए एक गिफ्ट है जो एक हेल्दी लिविंग बीइंग सिखाती है। अलग अलग एक्सरसाइज, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और सर जैसे कि आपने हमें बताया कि हम कई जो दिन हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ग्लोबल हैंड वॉश डे भी हम जो है उसको मनाते हैं, और इन सब दिन की जो हम बात कर रहे हैं उनको बनाने का पर्पस यही है कि हम हेल्दी रहें। सेहत हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और आपका स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में
अच्छा कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की सर, आप बता रहे हैं कि हम योग डे भी सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम फिज़िकली फ़िट रहें, और सिर्फ फिज़िकली फ़िट ना रहकर हम मेंटली सोशली भी फ़िट रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ सर, हम जैसे बात करते हैं ग्लोबल हैंड वॉश डे की भी, तो हाइजीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार घर पर हैं, स्कूल में भी उनको सिखाया जाता है कि हमेशा हैंड वॉश करें, अच्छे से करें, और कोरोना टाइम पर तो इस पर खासा ध्यान दिया गया कि आप अच्छे से अपने हैंड को वॉश करें और उसके बाद ही आप कुछ खाएं। तो हाइजीन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बच्चे इस बात को समझें कि हमें हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। इसकी बहुत ज़रूरत है बच्चों के बीच में जानना कि उनके हैंड की हाइजीन, अर्थात उसके हैंड हाइजीन के लिए, सैनिटाइज करने के लिए 5 जून को ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में हाथों की सफाई के लिए एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें बच्चे हाथ धोते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें सिखाए जाते हैं उनके स्टेप्स। तो ये जो हैंड वॉशिंग हुआ या हैंड हाइजीन हुआ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे आपके हाथों में अगर गंदगी होगी तो हम जाने अनजाने जब अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाते हैं, और अगर मेरे हाथ आपके हाथ अगर साफ नहीं होंगे तो हम जाने अनजाने कई सारे रोग फैलाने वाले पैथोजन को उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। और आजकल तो हाथ मिलाने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, लेकिन भारत की जो एक हमारी ट्रेडिशन है, हम लोग प्रणाम करते रहे हैं सदियों से, तो प्रणाम करने में तो उतनी स्थिति नहीं है खराब, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाथ मिलाता है, उसके हाथ की सफाई अच्छी नहीं है, मतलब उन्होंने हाथ को अच्छे से धोया नहीं है, तो उसकी वजह से मिट्टी में खेलने गए, जैसे बच्चे लंच के टाइम या स्पोर्ट के पीरियड में बाहर जाते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन उसके बाद आके लंच खाने के पहले उन्हें हाथ जरूर धोना चाहिए, तो वो कई सारी बीमारियों से बच जाएंगे और इस बहाने वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने रखने में सफल हो जाएंगे। कुल मिलाके हमारे बच्चों को ये जानना जरूरी है कि हेल्दी अगर उन्हें रहना है तो उन्हें कुछ अच्छी अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, और ये अंतर समझना है कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति सिकनेस का शिकार हो जाता है, बीमार हो जाता है, तब हम कह देते हैं डिजीज, एंड और हम कह सकते हैं वेन ए पर्सन इज अफेक्टेड बाई ए डिजीज आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम ऑफ द बॉडी चेंज फॉर द वर्स। सो दीज चेंज गिव राइज टू द साइन ऑफ द डिजीज। देयर आर सो मैनी डिजीज लाइक नाउएडेज देयर इज वन ऑफ डिजीज दैट इज नोन एज, देखा होगा सर्दी जुकाम फैला हुआ है, या फिर अभी आपने बात की थी आई फ्लू की, कंजक्टिवाइटिस की। इसके अलावा जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ मलेरिया की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर शहरों में डेंगू भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चिकनगुनिया भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं जब आसपास इस प्रकार की कंडीशन होती हैं। जैसे आपने कहा कि बरसात में ये बीमारियाँ होती हैं, शुरुआत में कहा था, तो बरसात में जितने भी पैथोजन हैं इनके लिए बहुत ही माकूल स्थितियाँ हो जाती हैं। एक तो बाहर ह्यूमिडिटी खूब होती है, मॉइस्चर खूब होती है, और पानी अगर कहीं इकट्ठा हुआ तो ये मच्छर पानी में अंडे देते हैं, और जिसकी वजह से उनका ब्रीडिंग होता है, और ब्रीडिंग से अंडे बनने के बाद और अंडे से फिर लार्वा और प्यूपा, और इसके बाद एडल्ट, मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, और ये मच्छर के द्वारा बहुत सारी बीमारियाँ जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इसके अलावा आपने देखा होगा फाइलेरिया, ये सही कई सारी बीमारियां फैलती हैं और हमारे बच्चे और हम लोग शिकार होते हैं। और बच्चों ने देखा होगा कि 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक प्रकार की वो बीमारियां होती हैं जो जिसमें अगर कोई व्यक्ति अफेक्टेड हुआ तो वो शॉर्ट टाइम के लिए अफेक्ट होता है, मतलब दैट डिजीज डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ, लाइक कॉमन कोल्ड, लाइक कफ, लाइक टाइफाइड, लाइक कॉलरा। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर द डिजीज which last for a long time and has long term drastic effect on the health. For example, diabetes जिसे हम मधुमेह कहते हैं, tuberculosis जिसे हम आपने देखा होगा टीबी कहा जाता है, या तपेदिक कहा जाता है गाँव में, encephalitis इसके अलावा arthritis और cancer। तो ये कुछ बीमारियाँ हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, सालों तक बनी रहती हैं। ऐसे ही एक प्रकार का ग्रुप बीमारियों का है मैडम, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस बीमारियां, और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। मतलब इन्फेक्शियस बीमारियां वो हुई कि मेरे आसपास, मेरे घर के आसपास, या मेरे आसपास घर के लोग, या क्लासरूम में अगर किसी बच्चे को
कॉमन कोल्ड है या चिकन पॉक्स है या मम्स है या मीजल्स है, तो दूसरे व्यक्ति को वो तुरंत फैलने की संभावना रहेगी. सो दीज आर द इन्फेक्शियस डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड, एज वेल एज देयर आर सम वेक्टर और फिजिकल कॉन्टैक्ट, और देयर आर सम डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट लाइक द HIV एड्स. ऑन द अदर हैंड देयर आर द डिजीज that comes under a category of non-infectious, or we can say the non-communicable disease. So these diseases are not spread from an infected person to a healthy person. For example, there is a vitamin deficiency disease that is known as beriberi, that is caused by the vitamin B deficiency. One of the disease that occurs due to deficiency of vitamin D, that is the rickets. Vitamin C deficiency causes the scurvy. Vitamin A deficiency causes the night blindness. डायबिटीज जिसे हम मधुमेह कहते हैं, कैंसर, इसके अलावा आपने देखा होगा हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. बिल्कुल. सर, अभी ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन आपने जिस तरह से काफ़ी डिसीज़ की बात की कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस तरीके से वो हमें परेशान करती हैं, आपने क्रोनिक डिसीज़ की बात की, कुछ लंबे वक्त तक जो डिसीज़ चलती हैं, तो सर व्हाई डू वी फॉल इल, ये जो टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये तो समझा कि अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं. तो सर, जैसा कि टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से, एक गुड हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं. देखिए, गुड हेल्थ को अगर मेंटेन करना है हमारे बच्चों को, हमको, तो फ्रेश फूड को लेना पड़ेगा जी. एक बैलेंस्ड डाइट लेनी पड़ेगी. इसके अलावा जैसा आप स्लाइड में देख रहे होंगे, बहुत सारी बीमारियां हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल जाती है जी. उसके लिए बहुत अच्छी, हमें जाने अनजाने एक अच्छी आदत आ गई है लोगों के बीच. कोरोना टाइम में हम लोग मास्क का इस्तेमाल करने लगे, या जब कभी खांसी आए तो हमें खांसी आते समय अपनी बाहें को ऐसे लगा लेना चाहिए जिससे कि दूसरे तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना पहुंचे. इसके अलावा हमें हाथों को समय समय पर धोते रहना चाहिए. इसके अलावा हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, नेचुरोपैथी का उपयोग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सुबह शाम वॉक करना चाहिए और पॉजिटिव लाइफ जीनी चाहिए. और बच्चों, आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है, आपकी हेल्थ बहुत प्रेशियस है, जिसको हम कैसे भी बचा सकते हैं, अच्छी हेल्थ बना रख सकते हैं, फ्रेश फूड, सीजनल फूड, लोकल फूड को खा के आप सदैव ताजे फलों का सेवन करिए, आसपास की सब्जियों और फलों का सेवन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए. और ईटिंग राइट फूड, हेल्दी फूड, आप अच्छा खाकर अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट ज़रूर बनाएं. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच व्यूअर फॉर बीइंग दिस पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. एंड बिफोर आई लीव, आई हैव एन अनाउंसमेंट रिलेटेड टू NCERT textbooks. NCERT textbooks are available throughout the country, and if you want to purchase directly from the NCERT sales counter, you can purchase it. These sales counters are located at New Delhi, Bengaluru, Ahmedabad, Gujarat and Guwahati. Or ये जो बुक्स हैं वो आपको हर दिन मिल जाएंगी, गेजेटेड हॉलीडेज़ के साथ साथ सैटरडे एंड संडे को भी, और आप इनको परचेज़ कर सकते हैं 9:30 AM से लेकर 6 PM तक. एंड अगर आप इसका ऑनलाइन वर्जन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करें, तो भी आप इनको परचेज़ कर सकते हैं. यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ncertbooks.ncert.gov.in. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द PDF वर्जन ऑफ दीज बुक्स, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट्स ई पाठशाला, दीक्षा एंड NCERT वेबसाइट. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दी ऑथराइज वेंडर्स, येस, यू मे विजिट ncert.nic.in. आई एम नुपुर कुलश्रेष्ठ साइनिंग ऑफ. टेक केयर, नमस्कार.